हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइस, मैं घर से निकल पड़ी। मेरा एक है बहुत बड़ा इवेंट दिल्ली में, तो मुझे वहाँ पहुँचना था। फेस वगैरह सारा दुपट्टा से कवर कर लिया था क्योंकि बाल ना खराब हो जाए। फाइनली दिल्ली पहुँच गई ललित होटल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा था। बाहर से जितना सुंदर इसका लोकेशन लग रहा था, अंदर से और भी खूबसूरत था। तो चलते अभी अंदर की तरफ क्योंकि मुझे चेंज भी करना है। तो यहाँ पे सभी आ चुके हैं और फिर मैं अंदर गई और चेंज करके आ गई बाहर। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे पता है जितना भी मैं सज लूँ वही हाल रहेगा, मेरा कुछ नहीं चेंज होने वाला। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा तो अच्छी लगती हूँ जब मैं चेंज कर लेती हूँ। तो फिर फाइनली मैं अंदर की तरफ गई और वहाँ पे देखा कि इवेंट स्टार्ट तो नहीं हो गया, लेकिन फाइनली स्टार्ट नहीं हुआ था। मैं गई, सबसे मिली, यहाँ पे बैठी और काफ़ी इंतज़ार कर रही थी मैं कि यहाँ पे अब कब स्टार्ट होगा। तो फाइनली जो है स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ जहाँ मैं बैठी थी उसका इतना सुंदर डेकोरेशन था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ बैठ के। यहाँ पे पेन और एक बुक भी दिया हुआ था कि आपको कुछ नोट करना तो कर सकते हो, और सामने क्यूट सा एक कैंडल भी दिया हुआ था। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी इससे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद। और यहाँ पे मिस्टर कबीर जी का स्पीच स्टार्ट हो चुका है, जो कि पेशे से एक वकील है जो सर्वाइवर्स का जो है केस लड़ते हैं। बहुत ही अच्छा उन्होंने स्पीच दिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर यहाँ पे जो वीडियो वगैरह प्ले हुआ जो कि सर्वाइवर्स को लेकर था, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक टीम आया जो कि नाटक कंपनी से थे, और उन्होंने यहाँ पे वो सब प्ले करके दिखाया कि कैसे एक लड़की को रास्ते में लड़के छेड़ते हैं, किस तरीके से उसका रेप करते हैं, किस तरीके से उसको फेस पे तेजाब डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन लोगों ने नाटक करके दिखाया। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने एक जाहिर क्या चीज़ें जो सही में होता है उस तरीके का। फिर यहाँ पे जो है शर्मिला टैगोर आई हुई थी, वो स्पीच दे रही थी। शर्मिला टैगोर को तो आप जानती है, जो शेफाली खान जी के मम्मी हैं, तो वो आई हुई थी। उसके बाद मेरी बारी स्पीच देने का, तो मैंने कैसा स्पीच दिया वो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने एक पोएम भी यहाँ पे बोला है। शर्मिला टैगोर जी का ख़त्म हुआ, फिर मेरी बारी थी, तो मैंने जाके वहाँ पे पोएम बोला। तो आप लोग मेरा पोएम सुनो। मेरा नाम रेशमा खातून है और मुझ पर भी 2014 में एसिड अटैक हुआ था। उस पर मेरा पूरा चेहरा और आंखें तो खराब हो गई है, लेकिन मैं कभी गिव अप नहीं करना चाहती। अभी तक काफ़ी अवार्ड मुझे मिल चुके हैं, 10 अवार्ड मिल चुके हैं, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक पोयम बोलना चाहती हूँ। एक अच्छे जीवन, बेहतर जीवन को जला डाला तुमने, इस हद तक कोई गिर सकता है नहीं सोचा था हमने। तेजाब फेंका तुमने, शादी से बस इनकार किया था हमने। कितनी शर्म आती होगी उस बूढ़े प्यारी माँ को, जिसने जन्म दिया है तुझ जैसे बेटे को। पिघला दिया मुझे जीते जी मार देने के इरादे से, आज देख खड़ी हूँ निडर बिना किसी के मोहताज के। सो गाइस, ये पोयम इसीलिए मैंने कहा। तालियों की आवाज़ सुन के दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसके बाद आ गई अपनी जगह पे। तो यहाँ पे एक प्यारी सी मेरी फॉलोअर्स आई मेरे पास, कह रही कि मैंने जब आपको देखा तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई और बहुत ही ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूँ, और आपसे मैंने मिल लिया तो मेरा सपना पूरा हो गया। क्या मैं आपको एक हक कर सकती हूँ? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हो। तो उसने मुझे हक किया और बहुत सारे उसने मुझे पप्पियाँ दिया, तो बहुत ही मज़ा आया मुझे। और बहुत सारे लोग जो मुझे देखते पर डर से सामने आते नहीं कि दीदी बात करिए कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे आप लोग हैं मैं वैसी हूँ, आप लोग कहीं भी देखो आके बात कर सकते हो। गाइस, वीडियो यही ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? और जाने से पहले क्या करना है आप लोगों को, वही लाइक कमेंट और शेयर। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना।